पघांजूर से जंगली हाथी द्वारा कुचलने से एक युवक की दर्दनाक मौत पर भाजपा के अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पघांजूर क्षेत्र लखनपुर पंचायत ग्राम PV-22 कार्तिक हल्दार के घर पहुंचे और 7 जुलाई को छोटे व्यापारी जो दुकान जा जाकर पान मसाला बेच बेचकर अपना जीवन यापन करते थे, कमरेश हल्दार को भटकते जंगली हाथी द्वारा कुचलकर मार दिया गया। मृतक के परिवार में उनकी पत्नी और 5 साल की बेटी और 8 माह का छोटा सा एक बेटा है, जिनके पिता की मृत्यु होने पर भरण पोषण का गंभीर समस्या खड़ी हो गई। उनके लिए अंतागढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष राधेलाल नाग ने उनके घर पर जाकर वास्तविक स्थिति को जाना और उनके द्वारा शासन प्रशासन से भरण पोषण हेतु कम से कम 40 से 50 लाख रुपए और उनके 12वीं पास पत्नी को वन विभाग में उनकी योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी दिए जाने के लिए मांग की, ताकि आगे चलकर उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, अपने पिता को खो चुके बच्चों को एक सहारा मिले। नगर पंचायत अध्यक्ष अंतागढ़, मैं आज कार्तिक भैया के घर में आया हूँ, इनके परिवार से कार्तिक भैया से मिलने के लिए। और ये PV-22 क्या गांव का नाम है? नहीं, गांव का नाम 22 नंबर पंचायत लखनपुर पंचायत का 22 नंबर गांव है ये। यहाँ का ये कार्तिक हल्दार जी के लड़का के साथ में एक्सीडेंट हुआ है, जंगली हाथी इसके लड़के को कुचल करके मार दिया है 2 दिन पहले। और उस जिसका देहांत हुआ, जिस जो हादसा में मारा गया, उसके बच्चे हैं ये दो, तो बेटा है ये बेटी है और ये जो है उनकी पत्नी है। हाँ, वो खड़ी है, उनकी पत्नी है। इतना दर्दनाक स्थिति है कि घर देखने से ये लगता है कि गरीबी का जीवन यापन कर रहे थे, पिताजी था और बच्चों का जीवन यापन, माँ बाप और उसकी पत्नी, इसका बड़ा दुखदायी है। क्योंकि फॉरेस्ट विभाग से इनको जो सहायता मिलना चाहिए, तो मैं फॉरेस्ट विभाग से और शासन से, छत्तीसगढ़ शासन से आशा करता हूँ कि इनको कम से कम 40-50 लाख रुपया सहायता मिलना चाहिए। और जो हादसा में मारा गया है, उसकी पत्नी है बेचारी, छोटे छोटे बच्चे, उसको फॉरेस्ट में छोटा मोटा नौकरी मिलना चाहिए। ये मैं यहाँ पर कहना चाहिए फॉरेस्ट विभाग से और छत्तीसगढ़ शासन से मैं निवेदन करता हूँ। इस परिवार को देख करके इतना दुखदायी स्थिति है। अब वो हादसा तो हादसा है, फॉरेस्ट का जानवर हाथी जो है ना कुचल के मार दिया, तो फॉरेस्ट विभाग से, छत्तीसगढ़ शासन से, फॉरेस्ट मंत्री से मेरा निवेदन है कि उसकी पत्नी को छोटा मोटा फॉरेस्ट का नौकरी देना चाहिए, ताकि इन बच्चों का जीवन यापन पालन पोषण कर सके, जो बहुत ही गंभीर और शोचनीय विषय है। बस इतना लाकर के मैं पघांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।